हेलो एवरीवन, मैं आपका रोहित, आपका दोस्त, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने एल एल एक्सपर्ट चैनल में। तो इस पर हम बात करने वाले हैं कि अपने टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड फुल डिस्क्रिप्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जो हम एप्स में इंक्लूड करते हैं। देखो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड फुल डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका टाइटल एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स इंक्लूड है तो आप इजीली अपने एप्स को रैंक कर सकते हो। ओके, तो इसलिए हम आज देखने वाले हैं कि इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एप्स के लिए बेस्ट टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आना होगा और ब्राउजर में सर्च करना होगा बेस्ट कीवर्ड फॉर एएसओ। जैसे हम इसको सर्च कर देते हैं तो आपके सामने कुछ यूआरएल ओपन हो जाएंगे। तो आपको जो ये दिख रहा है गूगल प्ले स्टोर कीवर्ड्स एएसओ कीवर्ड रिसर्च, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इसको सर्च करोगे तो आपके सामने कीवर्ड टूल का ऐसा वेबसाइट का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको अगर बाय डिफॉल्ट प्ले स्टोर यहाँ पे सिलेक्ट है तो अच्छी बात है, अगर आपका सिलेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हमें एएसओ करना है प्ले स्टोर के लिए। हमारा जो भी ऐप्स है यहाँ पे उसको सर्च कीजिए। फॉर एग्जांपल हमारा सिसपैक ऐप्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिसपैक ऐप यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे इस पे हम सर्च कर देते हैं तो आपके सामने कुछ कीवर्ड्स ओपन हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इस 20 कीवर्ड्स को कॉपी करेंगे, टॉप 20 कीवर्ड्स को एंड नोटपैड में पेस्ट करेंगे। तो मैं इस कीवर्ड को कॉपी कर देता हूं। मैंने 20 कीवर्ड्स को कॉपी कर दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, कॉपी टू क्लिकबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। हमने 20 कीवर्ड्स कॉपी कर दिया है एंड अभी नोटपैड ओपन करके उसमें पेस्ट कर देते हैं। नोटपैड ओपन कर देते हैं। जैसे हम नोटपैड ओपन कर देते हैं तो हम हेडिंग कीवर्ड्स करके लिख देते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स एंड टॉप 20 कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद में आपको नीचे टाइटल करके हेडिंग देनी है। हमें क्या करना है, यहां से टॉप 3 या टॉप 5 कीवर्ड्स को कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी 5th जो दिखाई दे रहा है सिस पैक इन 30 डेज को कॉपी कर देता हूं एंड टाइटल में पेस्ट कर देता हूं। एक हमारा एक कीवर्ड बन चुका है एंड अभी कोई भी यहां से कीवर्ड ले लेता हूं, जैसे सिस पैक एप्स होम वर्कआउट, इसको हम कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे। तो हमारा ये सेकेंड भी कीवर्ड्स बन चुका है, हमारा टाइटल क्रिएट हो चुका है विथ कीवर्ड्स। अभी हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हेडिंग देते हैं तो हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना है। तो यहाँ से कोई भी हम कीवर्ड यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे सिसपैक एप्स, सिसपैक एप्स को कॉपी कर देता हूँ एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ दिस इज द बेस्ट ऐप फॉर सिसपैक एप्स। और हमारा एक कीवर्ड यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड अगेन हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में एक लिख देते हैं बाय दिस ऐप यू कैन क्रिएट, यू कैन क्रिएट सिस पैक। यहां से अगेन हम कीवर्ड उठा लेते हैं सिस पैक एप्स हो, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सिस पैक एप्स एट होम लिख देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट कर सकते हो। अभी हम चलते हैं फुल डिस्क्रिप्शन की तरफ।
अभी हमने लिख दिया फुल डिस्क्रिप्शन। फुल डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, टाइटल को कॉपी करना होगा एंड फुल डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करना होगा। अभी पेस्ट कर दिया है एंड ये ध्यान में रखना है आपको नियर अबाउट यहाँ पे पैराग्राफ करके नियर अबाउट 20 to 21 आपको सेंटेंस लिखना है एंड फुल डिस्क्रिप्शन क्रिएट करते समय आपको ये ध्यान में रखना है जितने भी हमने टॉप 20 कीवर्ड्स को कॉपी किए थे उसको हर सेंटेंस में आपको फुल डिस्क्रिप्शन में यूज करना है और फुल डिस्क्रिप्शन नियर अबाउट 15 to 20 सेंटेंस का होना चाहिए। अगर आप हर कीवर्ड को फुल डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करोगे हर सेंटेंस में तो आपका फुल डिस्क्रिप्शन भी अच्छा खासा कीवर्ड्स रैंक करने में मदद करेगा। एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तो आप इजीली क्रिएट कर ही सकते हो एंड टाइटल भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना ऐप्स के लिए टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड फुल डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके आप अपने ऐप को प्ले स्टोर में सबसे फर्स्ट रैंक या फिर सेकेंड रैंक में ला सकते हो। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि अपने ऐप्स के लिए टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड फुल डिस्क्रिप्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना। हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।